हेलो मेरे प्यारे बच्चों, एक बड़ी खुशी की बात है। देखो, रिजल्ट जो भी है, अभी 5 मई का है कि बाद में वापस एग्जाम होके होता है, कुल मिला के बाद में रिजल्ट तैयार होकर आपका जो स्कोर, इस पे आपको मेडिकल कॉलेज के लिए एक प्रोसेस जाना है, काउंसलिंग प्रोसेस। इस बार आपके लिए NMC ने गजब का काम किया, आपके सपोर्ट के लिए, आपके ट्रैक को स्मूथ करने के लिए, और यहाँ तक इतना ध्यान रखा ताकि कभी कोई सीट वैकेंट ना रहे, तो उसको ध्यान सुनना। कुछ बदलाव किए हैं। सबसे पहले आपके जितने भी सरकारी हैं, निजी मेडिकल कॉलेज, डेंटल कॉलेज हैं, उन सब का ये काउंसलिंग प्रोसेस जो होती है उसमें पहला बदलाव किया है कि आपको एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है, एक ही बार पंजीयन करना है। पहले 2 बार होता था, इस बार एक ही बार होगा रजिस्ट्रेशन, भले वो आपके ऑल इंडिया कोटा से जाते हो कि स्टेट कोटा से जाते हो। जबकि आपको मालूम है काउंसलिंग अलग अलग टाइम पे स्टार्ट होती है। अभी जैसे अपन डेट देख रहे हैं कि 6 जुलाई से हो रही है, तो तैयारी चल रही है, तो 6 जुलाई से पूरी उम्मीद है अगर कुछ नहीं होता, वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, अगर मान लो पहले स्टार्ट होती ऑल इंडिया कोटा, 10 दिन के बाद, 12 दिन के बाद स्टेट कोटा काउंसलिंग चालू होती है। तो पहला बदलाव तो एक ही रजिस्ट्रेशन होगा, अच्छी बात है, एक बार पंजीयन करना होगा। नो डाउट जो राज्य सरकार है वो अपने हिसाब से कुछ भी नियम बदल सकती है अपने स्टेट कोटा की, वो अलग बात है, लेकिन एक ही बार करना होगा रजिस्ट्रेशन। और जो मूलभूत आपके नियम है वो तो एडप्ट करने ही है, जो जो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। दूसरा बदलाव, और ध्यान सुनना, दूसरा चेंज क्या किया, आपको खुशी भी होगी कि इस बार पहले आपके दस्तावेज डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे और फिर आपको सीट अलॉट की जाएगी, ताकि कोई सीट वैकेंट ना रहे। दस्तावेज पूरे नहीं है तो सीट अलॉट नहीं होगी। पहले क्या करते थे, सीट अलॉट करते थे और बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेक करते थे, अगर आपके कुछ भी डॉक्यूमेंट की कमी रह गई तो बोलते आप तो जाओ। अब आपकी सीट के लिए वैकेंट जो हो रही थी उसके लिए दूसरे बच्चों को काउंसलिंग प्रोसेस के लिए बुलाया जाता था, तो ये अलग से माइंड टाइम एनर्जी लगती थी। तो इस बार क्या हो गया, बिल्कुल सिंपल सा चेंज किया, यार पहले क्या करो, पहले दस्तावेज चेक कर लो, डॉक्यूमेंट चेक कर लो, बच्चा तो वही है ना, और उसके बाद आराम से उसको सीट अलॉट कर दो। तो ये बात है। और एक NRI कोटा जो होता है उसको आपकी जो सेंट्रल काउंसिल कमिटी है वो ऑल इंडिया कोटा के साथ ही उसकी काउंसलिंग करेगी। तो एक बदलाव था, एक चेंज था, अच्छे के लिए था। कई बार कहते हैं चेंज अच्छे के लिए होता है, ये साफ दिख रहा है। तो जो भी रिजल्ट हमारा आता है उसके लिए काउंसलिंग प्रोसेस आपका इंतजार कर रही है। तो एक खुशखबरी की बात है, मैंने कहा आपको बता दूं, इसलिए आपके लिए लेके आ गया।